नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं जेड टीवी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। तेंदुए ने चार लोगों पर हमला कर किया घायल। हमला करने वाला तेंदुआ आखिर हुआ पिंजरे में कैद। मुरादाबाद जनपद के थाना डिलारी थाना क्षेत्र के गांव फोंदापुर में आज सुबह लगभग 9 बजे तेंदुए ने हमला कर किया घायल। बताते चले कि फहीम पुत्र शब्बीर निवासी तुमडिया कला सुबह 8 बजे चारा लेने जंगल को गया था, जिसमें तेंदुए ने फहीम के ऊपर हमला कर घायल कर दिया। चीख पुकार की आवाज सुनकर खेतों पर काम कर रहे लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को आता देख तेंदुआ गांव फोंदापुर की जंगल की ओर भाग निकला, जिसमें फोंदापुर के जंगल में चारा लेने गए भूकन सिंह पुत्र बाकी सिंह, नितिन कुमार पुत्र भूकन नाथ, दोनों पर तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया। चीख पुकार की आवाज सुनकर तेंदुआ गांव की ओर भागकर केला देवी पत्नी भगवान दास के मकान में घुस गया और 70 वर्षीय वृद्ध महिला केला देवी को घायल कर दिया। केला देवी उस समय अपने मकान में आराम कर रही थी। मौके पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और साहस दिखाते हुए वृद्ध महिला को कमरे से बाहर निकालकर ग्रामीणों ने तेंदुए को कमरे के अंदर बंद कर दिया, जिसमें तेंदुए ने भूकन नाथ के सर पर वार किया और कान नोच डाला और बुरी तरह से घायल कर दिया। ग्रामीणों की मदद से भूकन नाथ को उपचार के लिए केवीआर हॉस्पिटल काशीपुर ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बाकी घायलों का सियासी डिलारी में उपचार किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुआ तुमडिया कला के जंगल से एक युवक के ऊपर घायल कर भाग कर फोंदापुर के जंगल की ओर आ गया, जिसमें हमारे गांव के ही कुछ लोग चारा लेने जंगल गए थे, जिसमें तेंदुए ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। उसके बाद तेंदुआ गांव में आकर एक वृद्ध महिला के कमरे के अंदर बढ़कर घायल कर दिया। चीख पुकार की आवाज सुनकर महिला को बाहर निकाल कर तेंदुए को कमरे के अंदर बंद कर दिया है। फिलहाल कई घंटे रेस्क्यू चलाकर आखिरकार तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया है। सर ओम प्रकाश सिंह, कौन सा काम रखता है? ये फोंदापुर है जी, डिलारी ब्लाक थाना डिलारी। क्या घटना घटी है आज? ये सर ये जंगल से भागा हुआ कोई जंगली जानवर है, घातक वाला, ये है शेर या चीता हो सकता है या तेंदुआ, इसे बोलते हैं तेंदुआ ही है जहाँ तक उम्मीद है। ये फिर उसको जो है अंदर, यहाँ पे एक औरत लेटी हुई थी अपने मकान में, बाहर थी या अंदर थी, बहरहाल उस पर हमला कर दिया आने के बाद, जिसने फाड़ने के बाद में ये पता नहीं किसी तरह से अंदर मकान में चला गया। वहाँ इसको जो है बाहर जब आदमी इकट्ठे हो गए तो ये बाहर नहीं भाग पाया, उसी को अंदर बंद कर लिया गया। फिर बाद में किवाड़ लगा दिया उसका और ये वहीं अंदर बंद कर दिया। तीन लोगों को घायल कर दिया है जी, एक तुमड़िया का पीछे घायल करके आया है, ये बाद में यहाँ किया है, ये कमरे में बंद है, कमरे में बंद कर रखा है ये, अभी कोई टीम नहीं आई। ये वन विभाग की टीम को तो सूचित किए हुआ करीब हो गया, 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी तक ये थाने वाले आए हैं। बहुत लापरवाही हो रही है साहब, सब इसको पकड़ के अंदर किया जाए, ले जाए पकड़ के, इसको कहीं भी छोड़ें। एक आदमी तो भूकन नाथ जो है वो केवीआर काशीपुर के लिए रवाना कर दिए गए हैं, और एक ये औरत घायल है जिसके घर में ये बंद है, वो डिलारी गई हुई है, डिलारी स्वास्थ्य केंद्र पर। अरे साहब गरीबों का उनका इलाज हो जाना चाहिए और थोड़ी मदद भी इनको होनी चाहिए, और उसको पकड़ के अंदर किया जाए जानवर। ये भी इससे पहले तो साहब अभी एक दो दिन में ही देखा गया है, ये पहले नहीं थे यहाँ पर, ये अभी आया है, 2-3 दिन पहले पट्टी में देखा गया, बता में थे। हाँ लगातार घूम रहा है ये यहाँ पर, और बताते तो यहाँ पे भी है कि पुलिया के नीचे देखा गया, ये नाला है इसके पुलिया के नीचे भी कहीं बताया किसी ने कि यहाँ पे भी था ये। मेरा नाम सूरजपाल सिंह, ग्राम फोंदापुर। यहाँ तुमड़िया से एक मतलब वन्य जीवी यहाँ पर आया और मतलब खेतों में, वहाँ पे हमारे गांव वाले पहुँचे तो उन्हें घायल कर दिया, जिसमें भूकन नाथ और उनका लड़का सचिन को घायल कर दिया है। शेर हो सकता है, क्या है ये? तेंदुआ। नहीं ये जैसे शोर मचा तो ये गए थे देखने के लिए। सुनो क्रम से बताना,
तो जब उधर से ये रोंदा गया वनजीवी तो यहाँ फोनापुर में घुस गया। यहाँ पे एक औरत जो है, सुनो, एक औरत जो है खाट पे बैठी थी अंदर मकान में, तो उसके पीछे से हमला करा यहाँ पे, और करने के बाद ये सारा उतार दिया और उन्हें पंजे से उन्हें घायल कर दिया। और गांव वालों को पता चला जैसे, तो यहाँ आए और आने के बाद उन्होंने जो हल्ला मचाया तो वो अंदर था, हमने देखा उसे, मैंने मां साहब श्री रामचंद्र सिंह ने, और देखने के बाद जब उसे बंद करने की कोशिश करी तो बाहर आया, तो सब बाहर भाग गए। फिर दोबारा कोशिश करी कैसे बंद किया जाए, तो हमने जो है वो एक पल्ले की किवाड़ थी उसमें चौका लगा था, चौका हटाया दूर से, और उसके बाद में आंकड़े से वो हमने किवाड़ बंद कर ली, उसके अंदर बंद कर दिया। इस समय बंद है, पुलिस प्रशासन आ गया है जी, वो 112 नंबर को फ़ोन किया और करीबन 20-25 मिनट बाद यहाँ आ गए थे। वन विभाग की टीम अभी नहीं आ पा, अभी नहीं आ पाई, अभी नहीं आई, लगभग एक घंटा हो गया होगा, अभी नहीं आई सर, सूचना इन्होंने करी है सर, पुलिस वालों ने की है। हम ये तो सर अब लापरवाही तो अब प्रशासन की तरफ से हुई जी, इससे पहले पट्टी में देखा था जी, 3 दिन पहले मैं वहाँ पर गन्ना लेने गया था, यहाँ पर तो 3 लाख लोग कर दिया फोनापुर के अंदर, एक तुमड़िया में जी। भूकननाथ तो बहुत गंभीर हैं, और उन्हें KVR काशीपुर के लिए रेफर कर दिया, यहाँ से उन्होंने मना कर दिया कि उनकी नसें खींच चुका है। हाँ, फोन नहीं रुक रहा कान का, कान तो सर उन्हें कुछ मदद दी जाए सरकार की तरफ से सर, ये चाहते हैं गरीब आदमी, उनकी परसों की शादी लड़के की और लड़के के भी चोट लगी है जी, पकड़ा जाए जी, ना तो हमारे गांव वालों को बहुत वो कर देंगे, आराम मिल गया कमरे में बढ़ जा। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और देखते रहिए ZTV News 24। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, धन्यवाद।